बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जी यहाँ पे मैं हूँ किचन में, और मेरे चम्मच देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको कि मैं किचन में हूँ। और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ना इस नतीजे पे पहुँची के चले आज ना मैं थोड़ी सी कढ़ी बना लेती हूँ। खाई भी जाती है, मज़े की भी लगती है, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। तो यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं और साथ ही कढ़ी बन रही है, और यहाँ पे कच्ची पकी कढ़ी इतनी मज़े की लगती है, इतनी मज़े की लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आधी पक जाए और आधी कच्ची हो तो मुझे बताइएगा कौन कौन इस तरह कढ़ी खाता है। मैं तो ऐसे ही पेट भर लेती हूँ, रोटी की तो नौबत ही नहीं आती उस टाइम फौरी तौर पर तो। लेकिन यह कि बहुत मज़े की लगती है ये कढ़ी, इस तरह कच्ची पक्की सी, और साथ बन रहे हैं पकोड़े। पकोड़ों में मैंने पालक और प्याज डाला है, नमक मिर्च मसाले जो सारे होते हैं वो डाले हैं। और जी यहाँ पे थोड़े से पकोड़े मैंने रखे हैं क्योंकि बच्चे वैसे भी खा लेते हैं और रोटी के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। तो कढ़ी हमारी जो है ना रेडी हो गई है। ओ जी हरीम की आपने बातें सुनी हैं, और हरीम की जो टीचर थी वो जा रही थी छोड़ के स्कूल, तो बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने पार्टी करनी है। तो ये है कि हरीम अपने पापा के साथ जो थी ना वो चीज़ें लेकर आई थी, और पार्टी का तो बहाना ही है, सारी चीज़ें तो बच्चों ने खुद खानी होती हैं। तो खैर बच्चों की एक ज़िद होती है कि हमने टीचर को पार्टी देनी है, तो वो फिर लेकर आई चीज़ें। और अब हम जा रहे हैं आंटी के घर, करीबी आंटी रहती हैं हमारी, तो उनके घर जा रहे हैं हम। और जी मौसम काफ़ी चेंज हो गया, बड़ा अच्छा हो गया है मौसम। और जब हम आंटी के घर पहुंचे तो आंटी ने जी जनाब कुल्फ़ा मंगवा लिया, और साथ ये इसकी सवैयाँ थी, उनके यहाँ पे ना कुल्फ़ा बहुत मज़े का मिलता है। तो फटाफट से जो है ना उन्होंने कुल्फ़ा मंगवाया और सब ने बड़े मज़े से खाया। ऐसी कोई पोएम भी होती थी ना छोटे बच्चे जब वो स्कूल जाते थे तो। हाँ तो खैर बड़ा मज़ा आया कुल्फ़ा खा के, और ये सवैयों ने तो चार चांद लगा दिए कुल्फे को, और हम सब ने इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। घर पे आके जी यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ, समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ें रखूँ कौन सी उठाऊँ। शादी पे जाना है लाहौर, और शादी के लिए पैकिंग हो रही है। तो आपको पता है कि शादी का तो फिर एक अलग ही सामान होता है और अलग ही तरीके की पैकिंग होती है, तो उसके लिए यहाँ पे हो रही है पैकिंग। 10 दफ़ा चीज़ें मैंने रखी हैं, 10 दफ़ा मैंने निकाली। और आपको पता है शादी वाले जो कपड़े होते हैं फैंसी, उनको थोड़ा सेट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जूते पड़े हैं, कुछ अभी और निकालने हैं अलमारियों में से, तो वो भी पैक होंगे। ये हो गए हैं बैग रेडी शादी पे जाने के लिए। ठीक है शादी पे हमने जाना है लाहौर, और बच्चे गए हैं स्कूल, वो आएंगे तो सेकंड टाइम हम लोगों ने निकलना है। और हो सकता है एक आधा बैग अभी छोटी मोटी चीज़ें और निकल आएँ शायद रखने के लिए। तो वैसे ज़्यादातर जो है ना ये तैयारी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा सामान लग रहा होगा। खैर शादी पे जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, 3 दिन फंक्शन हमने अटेंड करने हैं, और वैसे भी ज़ाहिर एक दिन पहले ही जा रहे हैं हम लोग, तो फिर सामान बच्चों के साथ इतना तो हो ही जाता है। और स्पेशली
स्पेशली जब शादी वगैरह का कोई इवेंट हो तो फिर आपको पता है कि डबल डबल कपड़े वगैरह और जूते हो जाते हैं। तो जी यही थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, ठीक है ना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, और जो न्यू आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़िंदगी ने मोहलत दी तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ आपको अपडेट देती रहूँगी, ठीक है ना। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।